आदि जनजाति भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाले स्वदेशी समूहों में से एक है। आदि सियांग फ्रंटियर डिवीजन की महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है। सियांग फ्रंटियर डिवीजन आदि लोगों का घर है। नस्लीय रूप से आदि जनजातियां अच्छी तरह से निर्मित विशेषताओं वाले मंगोलॉयड समूह से संबंधित हैं। आदि जनजाति कई उप जनजातियों से बनी है, जैसे एशिंग, बोरी, बोकार, कारको, कोमकर, मिनयोंग, मिलंग, पासी, पादाम, पांगगी, पैलिबो, रामो, शिमोंग और तांगम। खुद को आदि के रूप में पहचानने वाले सभी जातीय समूह आबोटानी के वंशज माने जाते हैं। पुराना शब्द अबोर असमिया द्वारा दिया गया एक उपनाम है और इसका शाब्दिक अर्थ स्वतंत्र है। आदि का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी या पहाड़ की चोटी। आदि लोग पहाड़ी गांवों में रहते हैं। प्रत्येक पारंपरिक रूप से अपने आप को एक चयनित मुखिया के अधीन रखता है, जिसे गांव बुरा या गांव बुरा के नाम से जाना जाता है, जो ग्राम परिषद का संचालन करता है। केबांग एक प्रकार की बैठक है जहां सभी आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। केबांग गांव से संबंधित किसी भी विवाद या मुद्दे को सुलझाने के लिए पारंपरिक अदालत है। पुराने समय की काउंसिल्स में गांव के सभी बुजुर्ग शामिल होते थे और निर्णय मोशुप में तय किए जाते थे। मोशुप का अर्थ है गांव का सामुदायिक घर। आदि जनजाति के अलग अलग रीति रिवाज, बोली और जीवन शैली हैं। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जो मुख्य रूप से झूम और गीले चावल की खेती के इर्द गिर्द घूमती है। उनके मुख्य भोजन में चावल, मक्का, बाजरा और वन आधारित पारंपरिक खाद्य उत्पाद शामिल हैं। आदि समाज में दो प्रकार के शयनगृह हैं। लड़कों के लिए इसे मोशुप कहा जाता है और लड़कियों के लिए इसे राशेंग कहा जाता है। मोशुप अविवाहित लड़कों के लिए एक घर है जिसका निर्माण ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। 10 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चे मोशुप के सदस्य बन सकते हैं। उनका मानना है कि इस प्रणाली से बच्चों में सहयोग, परस्पर सम्मान एवं भाईचारा की भावना विकसित होती है। मोशुप्स में अलग अलग मेरम या कमरे होते हैं। राशेंग कंपैरेटिवली रूप से छोटा और अधिकतर गांव के मध्य में बनाया जाता है। एक सीनियर लड़की इस घर की प्रभारी बनती है। आदि लोगों के बीच शयनगृह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शयनगृह को नियंत्रित करने वाले कुछ नियमों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक पुरुष किसी महिला के छात्रावास में जा सकता है, हालांकि उसे रात भर रुकने की अनुमति नहीं है। आदि समुदायों के बीच कलाकृतियां लोकप्रिय हैं। आदि जनजाति के हस्तशिल्प उनके बेंत और बांस के कामों में सबसे अच्छे से देखे जाते हैं, जैसे टोकरियां, ट्रे, चटाई और टोपियां और कलात्मक डिजाइन वाले मुरा घरेलू उपयोग के लिए तैयार किए जाते हैं। आदि समूह की महिलाएं विशेषज्ञ बुनकर हैं। वे हथकरघा में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए कोट, जैकेट, बैग और शॉल जैसी कई चीजें बुनते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग पोशाकें हैं जो जनजातियों की महिलाओं द्वारा बुनी जाती हैं। क्षेत्र के आधार पर बेंत, भालू और हिरण की खाल से बने हेलमेट कभी कभी पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं। अविवाहित लड़कियां बियोप पहनती हैं, एक आभूषण जिसमें उनके पेटीकोट के नीचे 5 से 6 पीतल की प्लेटें लगी होती हैं। आदि लोग कई त्योहार मनाते हैं। विशेष रूप से उनके प्रमुख त्योहार आरान, डोंगिन, सोलुंग, पोड़ी बारबी और एटोर हैं। सोलुंग सितंबर के पहले सप्ताह में 5 दिन या उससे अधिक समय तक मनाया जाता है। यह भविष्य की भरपूर फसल की तलाश में बीज बोने और रोपाई के बाद मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। त्योहार के दौरान महिला लोगों द्वारा पोनुंग गीत और नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। आदि नृत्य धीमी, देहाती और खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देने वाली पोनुंग शैली से लेकर एटोर उत्सव के दौरान पुरुषों द्वारा किए जाने वाले उत्साहवर्धक डेलोंग की थाप तक भिन्न होते हैं। इन नृत्यों ने नृत्य के कुछ रूपों को जन्म दिया है जो संयुक्त रूप से एक कहानी सुनाते हैं। टापू एक युद्ध नृत्य है जो उनिंग आराण के त्योहार के दौरान होता है। यह ऊर्जावान युद्ध नृत्य पुरुषों द्वारा दांव और ढालों के साथ युद्ध पोशाक पहनकर किया जाता है। आक्रामक युद्ध लड़ने का रुख अपनाते हुए आदि पुरुष विजयी युद्ध नारे लगाते हुए एक लंबी कतार में नृत्य करते हैं। आराण उत्सव में याकजोंग का प्रदर्शन भी किया जाता है। यह एक अन्य प्रकार का नृत्य है जिसमें नर्तक कुछ निश्चित पैटर्न में छालों को हटाकर बनाए गए डिजाइन वाली छड़ियों को ले जाते हैं।
और फिर कुछ समय के लिए आग में डाल देते हैं, जिससे चिह्नित काले डिजाइन बन जाते हैं। आदि के अधिकांश लोग पारंपरिक रूप से आदिवासी डोनई पोलो धर्म का पालन करते हैं, जहां डोनई सूर्य को और पोलो चंद्रमा को संदर्भित करता है। मूल रूप से वे प्रकृति की पूजा करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का नेतृत्व एक ओझा द्वारा किया जाता है, जिसे मिरी कहा जाता है। आधुनिक समय में कुछ आदि लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। आदि जनजातियां अपने मिलनसार और सरल स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। जिस तरह से वे प्रशासन का काम करते हैं, वह उनके लोकतांत्रिक स्वभाव को दर्शाता है।